माना अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। मैंने इतनी तपिश जीवन में सही है तो मुझे कई बार छोटी मोटी तपिश परेशान नहीं करती। हम राजनीतिक क्षेत्र में लोग हमारे पास विभिन्न समस्याएं लेके आते हैं तो पहले तो उनका सम्मान होना चाहिए ताकि उसको लगे कि ये राजनीतिक क्षेत्र में गलत आदमी नहीं है, इसको वोट दे के जिताया हमने तो ये हमारी दिल से सेवा करना चाहता है, इसमें सेवा भाव है। जो लोगों के चेहरे पर हंसी देखते, गरीब मुस्कुरा के हमारे दफ्तर से जाता है तो वाकई जो शांति मिलती है मुझे लगता है किसी चीज़ के लिए मिलती नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील जिंदल है और मैं विकासपुरी में दिल्ली में निवास स्थान है मेरा और मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों में रहता हुआ पूर्व में मैं दिल्ली प्रदेश स्वच्छता अभियान का को कन्वीनर रहा। पूरी दिल्ली में हमने मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाया और अब भी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेवा में दिन रात लगाऊँ। झज्जर के पास डावला गाँव है, उसमें मेरा जन्म हुआ और बाल्यकाल मेरा नाना जी के यहाँ हुआ। क्यों, मेरे मामा जी थे नहीं तो हमारी माँ कुछ दिनों हमारे नाना जी के पास थी, हमारे बाबू जी दिल्ली में नौकरी करते थे तो वहीं मेरा स्कूल की शिक्षा हुई। तो नाना जी की सेवा करना रहा बचपन में गांव में, रोहतक के पास बलियाना गांव है, वहाँ मेरा बाल्यकाल बीता छठी क्लास तक। उसके बाद हम दिल्ली में आ गए और दिल्ली में पढ़ाई की गवर्नमेंट स्कूलों में, क्योंकि हम एक गरीब परिवार से ही संबंध रखते थे, हम पांच भाई एक बहन है, माता पिता हैं, हमारे बहू जी का नाम लाला जगदीश प्रसाद जी है, माता का नाम भरपाई देवी जी है, तो उन्हीं ने सब पालन पोषण किया हमारा और हम आज भी एक समझ लो संयुक्त परिवार हमारा है। पांचों भाई का एक बिजनेस है और हम सब भाई इकट्ठे रहते हैं और माँ बाप के चरण स्पर्श करके सुबह घर से निकलते हैं, उनके संस्कारों से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे माता पिता ने एक ही समझाया कि भी बड़ों का सम्मान, और माँ बाप ने यही सिखाया कि जीवन दिया है तो समाज के लिए उसको समर्पण होना चाहिए। देखो जीवन में तो मेरे प्रेरणा स्वरूप मेरे माँ बाप भी हैं, जिन्होंने मुझे जीवन दिया और इस लायक बनाया कि मैं लोगों की समाज सेवा कर सकूँ। उन्हीं के संस्कार की वजह से मैं ईमानदारी से राजनीति कर पाता हूँ और राजनीति क्षेत्र में मेरे गुरु साहिब सिंह वर्मा जी थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के आगे बढ़ना सिखाया और साहिब सिंह वर्मा जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ राजनीतिक। वो एक ज़मीन से जुड़े किसान नेता थे, मुझे यही कहते थे भाई लोगों में राजनीति क्षेत्र में आए तो कुछ करना है हमें इसके लिए, तो उसी को आधार मानते हुए साहिब सिंह जी के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम विकासपुरी में होता है तो हमने इंग्लैंड से बहुत बड़े सुपर स्टार मलकीत सिंह हैं जिनका तूतक तूतक तूतिया गाना बड़ा प्रसिद्ध था, तो लोगों ने सिर्फ गाना ही सुन रखा था उनका, उनको साक्षात मलकीत सिंह को किसी ने देखा नहीं था, तो वो हमने इंग्लैंड से बुलाया था। तो फिर हमारे मेरे मित्र थे उनके साहिब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे तत्कालीन, तो उनसे उनके अच्छे संबंध थे, तो मैंने कहा साहिब सिंह वर्मा जी आ सकते हैं क्या हमारे चीफ मिनिस्टर इस कार्यक्रम में, तो उन्होंने बात की, वो बोले मैं आऊँगा और साहिब सिंह वर्मा जी आए और वहाँ लाखों लोगों की जो भीड़ देखी या गैदरिंग देखी तो साहिब सिंह वर्मा जी ने मुझे उस टाइम परख लिया शायद कि मैं 25-26 साल का युवा था जब 20-22 साल पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझे परखा और उन्होंने अगले दिन मुझे चाय पे बुलाया, तो मैं बड़ा घबरा गया था कि 25 साल के बालक को चीफ मिनिस्टर चाय पे बुला रहा है तो किस लिए बुला रहा है, तो मैं गया तो उन्होंने सीधा मुझे बेडरूम में बुलाया और ग्रीन टी पिलाई मेरे को। मैंने जीवन में ग्रीन टी का नाम भी पहली बार सुना था, 20 साल पहले ग्रीन टी प्रचलन में नहीं थी। साहिब सिंह जी बोले ग्रीन टी पिएगा या दूध पिएगा, मैं जी ग्रीन टी पी लूँगा कभी पी नहीं, तो पी उन्होंने और उसके बाद वो मैं उनके बिल्कुल पुत्र समान हुआ और उनके चले रास्ते पर चला और आगे बढ़ता गया। यही मेरा एक राजनीतिक शुरुआत यहाँ से हुई, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था लेकिन साहिब सिंह वर्मा जी मुझे राजनीति में लेके आए और मुझे आगे बढ़ाया। मेरे पिता ही रहे, उन्होंने जीवन में नौकरी की, मिल में नौकरी की, मिल मजदूर थे वो, आहिस्ता आहिस्ता वो व्यापार क्षेत्र में आए और उन्हीं के व्यापार को हमने पांचों भाइयों ने मिलके बड़ा आगे बढ़ाया।
तो उन्होंने ये कहा, व्यापारी से भी आपके संबंध ऐसे होने चाहिए मधुर, अगर आपके व्यापारी से मधुर संबंध है तो व्यापार भी निकलेगा। हम राजनीतिक क्षेत्र में लोग हमारे पास विभिन्न समस्याएं लेके आते हैं, तो पहले तो उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए हम पहले सबसे पहले जनता का बुजुर्ग आगे कोई भी आगे हमारे घर में या हमारे दफ्तर कार्यालय कोई भी आता है, पहले उसको एक गिलास ठंडा पानी मिलता है, चाय पूछी जाती है, उसके बाद उसका काम पूछा जाता है, ताकि उसको लगे कि ये राजनीति क्षेत्र में गलत आदमी नहीं है, इसको वोट दे के जिताया हमने तो ये हमारी दिल से सेवा करना चाहता है, इसमें सेवा भाव है। कहीं समस्या हो सकती है लेकिन आप मेहनत से उसको रोशन कर सकते हो, उस समस्या को ख़त्म कर सकते हो। जो आदमी लगातार संघर्ष से निकलेगा तो उसको आगे जीवन में तकलीफ उसको महसूस नहीं होगी, उसको लगेगा कि भाई ये छोटी मोटी समस्याएं हैं। और जिसने जीवन में समस्या ही नहीं देखी उसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया, तो घबरा जाएगा। राजनीति तो बस मैं मुझे ही नहीं पता चला मैं कब इस राजनीति में आ गया हूँ। और मैं भी मैं अब भी अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ। मैं राजनीति में जिस प्रकार के लोग हैं मुझे राजनीति सूट नहीं करती है अटल जी की तरह। लेकिन अटल जी कहते थे ना, मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूँ लेकिन राजनीति मुझे नहीं छोड़ती, वही सेम मेरे साथ है। मैं भी राजनीति छोड़ना चाहता हूँ लेकिन राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। मुझे बार बार लोग कहते हैं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, मेरी धर्मपत्नी सरिता जिंदल वो भी 3 चुनाव लड़ चुकी, मैं भी MCD के चुनाव लड़े, तो लोग मुझे नहीं छोड़ रहे। देखो राजनीति में मेरा क्या सबका लक्ष्य है कि उन्हें समाज सेवा, ये कोई भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति नहीं है, माफ़ करना, राजनीति होगी, डॉक्टर का पैसा हो गया और भी जितने ये समाज से जुड़े पैसे, ये पहले लोगों की सेवा के लिए थे, आज ये धंधे बन गए हैं। आज राजनीति में लोग आते हैं तो घर बनाने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। लेकिन मेरा मानना है हम अपने देश को कैसे आगे लेके जाएं। हम मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी के जो उनकी नीतियाँ हैं उनकी योजना है वो कैसे जन जन तक पहुँचे ताकि वो लाभ उठा सके, वही मैं करता हूँ। जब हम आए तो क्षेत्र में काफ़ी बुरा हाल था, सड़कें टूटी हुई थी, पार्क खराब थे, सफाई व्यवस्था थी नहीं, तो उसको लगातार सबसे पहले तो हमने सफाई व्यवस्था को इम्प्रूव किया। स्वच्छता जो मिशन मोदी जी को झाड़ू लेके चल रहे हैं उसी को हमने पहला अपना उद्देश्य बना के और उसको सफाई अभियान को हमने आगे बढ़ाया। उसके बाद टूटी सड़कों को ठीक किया। विकासपुरी क्षेत्र में अब आप जाके देखेंगे हमारे पार्क फार्म हाउस से ज़्यादा सुंदर हैं। लोग कहते हैं फार्म हाउस बहुत सुंदर होते हैं लेकिन मेरा दावा है आप मीडिया से आप जाके देख सकते हैं, अभी पार्क इतने सुंदर मिलेंगे आप कहोगे भाई ये तो कनाट प्लेस GK में भी ऐसे पार्क नहीं जो हमने विकासपुरी के अंदर कर दिए हैं। अब हमारी सड़कों को देखिए, मेरे निवास स्थान पर आए होंगे आपने देखा होगा आसपास काफ़ी सुंदर सड़कें बनी हैं, एक साल पहले नहीं थी। तो पार्कों में काम किया, सफाई व्यवस्था अच्छी की, सड़कें बनाई। अब एक ये धोबी घाट बना रहे, धोबी समाज के लोग बड़े परेशान रहते हैं, उनके बेचारे वो कपड़ा धोते हैं तो उनके लिए वो बिल्डिंग जर्जर पड़ी है, तो उसके लिए कमिश्नर से बात हो गई है तो वो भी जल्दी उसका भी बजट पास होके धोबी घाट बनेगा। शमशान घाट बहुत बुरी स्थिति में था, हम गए तो जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस पर ही बारिश गिर रही थी, इतना बुरा हाल था, तो उसको भी हमने जीर्णोद्धार करवाया, उसका भी काम चल रहा है। एक एक काम सबके लिए, हिंदू हो मुसलमान हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों कई बार कहते हैं कि हम मुस्लिम के खिलाफ हैं लेकिन हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं। हम साल में 10 विधवा बहनों की बेटियों की शादी के लिए 60,000 रुपये की मदद दिलाते हैं MCD से, 30,000 रुपये नकद उनके बैंक में जाते हैं और बाकी का 28-30,000 का बारात घर उनको फ्री में दिलाते हैं। हाँ मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म की रक्षा करने का पूरा अधिकार है लेकिन मुझे किसी और के धर्म की भी आगे बढ़ने में बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए, मेरा ये मानना है और हमारी पार्टी का भी यही मानना है। सोशल एस्पेक्ट ऐसा है कि हम सिर्फ राजनीति के अलावा भी समाज को जोड़ते हैं, जैसे हमारी बहुत बड़ी रामलीला होती है उसमें लाखों लोग आएंगे। अब उसमें एक चरित्र होता है, कैसे एक बेटे ने अपने पिता के कहने पर 14 साल वनवास के लिए चला गया, आज नहीं जाएंगे, बेकसूर था लेकिन पिता ने आज्ञा दी चला गया। कैसे एक पत्नी पति 14 साल के लिए वनवास जा रहा है तो उसके जाने को तैयार होगी, आज अगर पति जेल में चला है तो दूसरी शादी कर लेती है अगले दिन। कैसे छोटा भाई लक्ष्मण अपने भाई के लिए चला गया, उसको वनवास मिला था राम को, लक्ष्मण भी गया
भरत जैसा भाई जिसने पूरा 14 साल खड़ा उसके रख के राजगद्दी संभाली, वो कभी राजगद्दी में नहीं बैठे कि मेरे बड़े भाई का हक है वही बैठेगा। तो ऐसे कहाँ, तो ये संस्कार जगाना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये संस्कार हमारे घरों में आ जाएं तो हमारा देश वापस मुझे लगता है सोने की चिड़िया बन सकता है। और इसके साथ साथ मैं एक और काम करता हूँ, अब संस्कार के लिए लोग जाते हैं, किसी की डेथ होगी, अगर गरीब आदमी है तो 5100 रुपये मैं उनको देता हूँ। तो मेरा तय है कि भाई 5100 रुपये लकड़ी के लिए, जिसके भी अगर गरीब है, गुरबत है, जो अंतिम संस्कार भी रीति से नहीं कर सकता, तो उसका मैं उसका भी कराता हूँ। मैं हॉबी तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था, अब आप कहेंगे सारे गुणी आप में, लेकिन ये थे, मैं नेहरू स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए जाता था, मैं अपनी टीम का कैप्टन था, और पूरे किट विट ले के, ड्रेस पहन के, कैप वैप लगा के मैं जाता था, और मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था, लेफ्ट हैंड बॉलर था मैं, और मुझे लगता था कपिल देव ये रिटायर हो रहे तो मेरा ही नंबर है। उस टाइम राजनीति की मेरी इच्छा नहीं थी, तो एक मैं खेलता भी था, लेकिन मेरे माँ बाप बेचारे कम पढ़े लिखे थे, उन्हें लगता था मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आज अगर मेरा बेटा मेरे जितना टैलेंटेड होता तो मैं उसको प्लेयर अच्छा बना देता, उस टाइम लगता था फालतू के काम है। मेरी कोई ड्रीम नहीं है, मैं सपाट आदमी हूँ, मैं सीधा सीधा चलना चाहता हूँ। आज दायित्व ये मिला हुआ मेरी पत्नी को, सरिता जिंदल को, तो वो 3 चुनाव लड़ चुकी, दूसरी बार निगम पार्षद बनी है, अब जोनल चेयरमैन में थी, तो मैं उनकी मदद करता हूँ समाज के काम में, ताकि वो अच्छा अपना, जो लोगों ने जिस विश्वास के साथ उनको वोट दिया है, वो हम अपना दायित्व पति पत्नी मिलकर करें। और मेरे चुनाव में एक हम जुमला देते थे, एक के साथ एक फ्री, ये लाइटर वे में पब्लिक को बोलते थे कि एक वोट दो, 2 काउंसलर लो आप, जैसे साबुन की टिक्किया साबुन टिक्की फ्री, शर्ट क्या शर्ट फ्री सेल लगती है तो लोग तुरंत लेते हैं ना, तो मजा करता हूँ, ये आपने तुरंत उसका लाभ उठा लिया, एक काउंसलर के बदले 2 काउंसलर मिल रहे हैं आपको, वोट एक देनी पड़ रही है। तो ये लाइटर वे में लोग हंसते हैं जब मैं बात करता हूँ, तो मिलके दोनों ही समाज सेवा करते हैं। जो लोगों के चेहरे पे हंसी देखते, गरीब मुस्कुरा के हमारे दफ्तर से जाता है, तो वाकई जो शांति मिलती है मुझे लगता है किसी चीज़ के लिए मिलती नहीं। और हम एक पेड़ लगाने का काम पूरे विकास प्रेम कर रहे हैं, आप कभी भी आओगे हमारे यहाँ का टेम्परेचर औरों से विकास प्रेम का डाउन मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ 150 पार्क है हमारे वार्ड में, और हमने उसको ऑक्सीजन की फैक्ट्री बना दिया, समझ लो बात को जी, इतने पौधे लगा दिए हैं, तो लोग कह रहे भाई ऑक्सीजन फैक्ट्री इतनी लगा दी यहाँ पे, लोग हमारे यहाँ काफ़ी खुश रहते हैं। ग्रीनरी आप देखोगे विकासपुर में काफ़ी हमने बढ़ाई है। आप कभी मेरे साथ चलिए फिर पता चलेगा प्यार क्या है जी। लोग ऐसे लपक के आते हैं कि जैसे बेटा आ गया हो, भाई आ गया हो, क्योंकि, और मैं सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ बुजुर्ग करता हूँ, काफ़ी बुजुर्ग मेरे पास आते हैं। तो एक बार मैं बड़ी मज़ेदार बात हूँ, मेरे पास 15-20 बुजुर्ग बैठे हुए थे, 1-1.5 घंटे से वो मेरे को बता रहे थे कि पुत्र तू ऐसा किया कर, ऐसा किया कर, ऐसा किया कर, ऐसा किया कर, शिक्षा दे रहे थे, और मैं हाँ जी मैं करूँगा करूँगा अंकल करूँगा। तो एक दोस्त तो जो गहराई नहीं थी कि, तो वो 1-1.5 घंटे फेडअप हो गया उनके जाने में, बोला यार इनकी घर में कोई सुनता नहीं, सारे तेरे पे निकाल जाते हैं, बोला तेरे में इतना पेशेंस आता कहाँ से है। लेकिन मैंने कहा देखो बुजुर्गों की यही तो आशीर्वाद है, मान लिया घर में भी उनके कोई, उनके बच्चे नहीं सुन रहे, मुझे सुना जाते हैं कुछ कह जाते हैं, तो वो बेचारे हल्के हो गए जाते हैं, और कोई ना कोई ऐसी ज्ञान की बात वो दे जाते हैं, तो मैं फॉलो करके आगे बढ़ता हूँ। मैं हनुमान जी का आनंद भगत हूँ, भगवान राम को मानता हूँ, सारे देवी देवताओं को मानता हूँ, लेकिन मैं इसी रूढ़िवादिता के साथ नहीं मानता कि इनकी माला जपते रहोगे तो आपका कल्याण होगा, और आप पाप और गलत काम करते रहो तो फिर भी चल जाएगा। मेरा मानना है एक शक्ति है जो हमें चला रही है, किसी ने तो हमें बनाया और वही हमारा पालन पोषण करती है, तो उसको मैं नमन करता हूँ, और ये दिमाग में रखता हूँ कि किस मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, किसी का अच्छा हो, उसी को मैं पूजा मानता हूँ। हालांकि मैं सुबह रोज़ पूजा करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है किसी का अगर भला कर दे, दिन में मुस्कान किसी के चेहरे पर ले आए, तो उससे बड़ी पूजा कोई हो ही नहीं सकती।
कड़ी मेहनत और ईमानदारी, ये आपको शिखर पे लेके जाएगी। ईमानदारी का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन जो भटक गया वो फिर उसकी नींव मजबूत नहीं हो सकती। ईमानदारी से आप आगे बढ़ोगे, आप किसी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन पूरी तरह शिद्दत से जुनून से काम करेंगे तो आप आगे जाओगे। जैसे मैंने आपका जुनून देखा, ये आप YouTube का ये चला रहे हैं, तो आपकी तैयारी देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप अपने इस प्रोफेशन के प्रति बड़े जागरूक और ईमानदार हैं, तो इसलिए मुझे लगता है आप भी आगे जाओगे। और हमारा तो यही, आप शुभकामनाएं भी देता हूँ आपके चैनल को जिस माध्यम से आप मेरे संपर्क में आए। सुबह में लगभग 7 बजे करीब उठता हूँ, फ्रेश होकर पार्क जाता हूँ, वहाँ पे 2 घंटे करीब लोगों से मुलाकात भी हो जाती है और अपना व्यायाम योगा जो भी रहता है सुबह करके अपना फ्रेश होके अपने सुबह 9 बजे हमारा कार्यालय है यहाँ विकासपुरी के अंदर, उसमें जाके लोग आए होते हैं तो उनकी समस्या सुनते हैं। और 2 बजे तक, बल्कि सरिता तो मीटिंगों में चली जाती है, तो मैं काउंसलर तो नहीं हूँ, तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ इस क्षेत्र का, तो मैं जो भी उनके काम कर सकते हैं करते हैं। सरिता दोनों बैठ के उनको क्षेत्र की समस्या निपटारा करते हैं, कईयों को ऑफिसर को बुला के उनकी मीटिंग कराते हैं एसोसिएशन की, और उसको आगे परिणति तक लेके जाते हैं काम को। देखो आज की तारीख तो मुझे ऊर्जा देती है मोदी जी की बातें, ऐसा एनर्जिक आदमी मुझे लगता है हम हिंदुस्तान के लोग ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जब मोदी जी राजनीति क्षेत्र में आए और वो ये काम कर रहे हैं। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उनका जुनून देख के, उनका त्याग देख के मुझे बार बार आना, कई बार थक जाता हूँ तो मोदी जी को याद करता हूँ तो मैं एकदम वापस हौसले में आ जाता हूँ कि यार मोदी जी इतना कर रहे हैं तो हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे लोग हैं, हमें भी समाज की सेवा ऐसे ही 24 घंटे करनी चाहिए। मोदी जी 16 घंटे काम करते हैं, तो वही प्रेरणा देती है मेरे, हमारे नेता भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी। लाइफ बड़े हल्के फुल्के अंदाज में लेता हूँ, शांत रह के अपना बच्चों को भी पालते, समाज सेवा भी करते और माँ बाप की सेवा भी करते। मैंने बताया हम 5 भाई हैं, हमारे घर के सब यहीं रहते हैं, तो सब बच्चे ऐसी खुशी, हमारे बाहर के लोगों भी कई बार छोटे मोटे जन्मदिन होते बड़े होते बाहर के लोगों बुलाते हैं, अपने बच्चे इतने हैं, तो बड़ा एक अच्छा हमारा जीवन है। और भगवान करे ऐसा जीवन सबको मिले, ऐसे माँ बाप सबको मिले, और आप अगर सही रास्ता आपका तो आपके जीवन में समस्याएं भी कम रहेंगी। मेरे 2 बेटे हैं और बड़ा बेटा MBA किया है तो वो बिजनेस में जा रहा है, हमारा इम्पोर्ट है कई बाहर से, और छोटा भी BBA फाइनल में महाराजा कृष्ण कॉलेज में, तो वो उसको कर रहा है। हमारे मेटल स्क्रैप टाइप जो स्क्रैप रहती है मेटल आइटम की, उनकी स्क्रैप बाहर से आती है, दूसरी कंट्रियों से भी आती है, इंडिया से भी कई जगह से आती है, तो व्यापार तो मैं तो समझ लो राजनीतिक प्रचारक हो गया हूँ, व्यापार मेरा परिवार देखता है, क्योंकि व्यापार के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं व्यापार भी देखूँगा तो मुझे लगता है मैं क्षेत्र की जनता का न्याय नहीं कर पाऊँगा। मेरा संयुक्त बिजनेस है, मेरा बेटा बिजनेस में है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। घूमने का शौक ज़्यादा नहीं रखता मैं, लेकिन मैं ये इंडिया में कई जगह घूमा, कश्मीर घुमा हूँ, असम घुमा हुआ हूँ, अंडमान निकोबार घुमा हुआ हूँ, शिमला है, कुल्लू मनाली है, हरिद्वार है, वृंदावन है, मैं धार्मिक स्थलों पे ज़्यादा जाता हूँ। और एक दो बार श्रीलंका जाने का मौका मिला, अशोक वाटिका में हमने वो हनुमान चालीसा का पाठ किया। नहीं, फिल्मों का शौक मेरा बड़ा कमरा में साल में सिर्फ है ना जी 2 ही 3 पिक्चर देख पाता हूँ अभी, वो भी बच्चे नाराज़ हो जाते कि पापा आप नहीं चलते तो इसलिए मुझे जाना पड़ता है। मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ नहीं जो संदेश दूँ, लेकिन इंडियन स्टोरी के आपके श्रोताओं को और पूरे अपने देश के दिल्ली के नागरिक इतना कहूँगा, जो भी करो जुनून से करो, ईमानदारी से करो, सफलता आपके कदम चूमेगी।
अटल जी एक युग पुरुष थे, ऐसा राजनेता मैं अपने जीवन काल में दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल रहा, 5 किलोमीटर लगातार चल के हम वहाँ गए संस्कार करने, उनके दर्शन किए। वो ऐसे नेता थे जिनकी सब पार्टियों में एक स्वीकृति थी, वो भी बड़े लाइटर वे में जीवन जीते थे, लाइफ को एंजॉय भी करते थे और संघर्ष भी करते थे, अरे कि ईमानदारी से बात बोलते थे। जैसे मैंने कहा ना, वो कहते मैं राजनीति में छोड़ना चाहता हूँ लेकिन राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। तो ऐसे वो बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और वो ऐसे महान व्यक्ति थे जो हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता दोबारा कोई पैदा होगा, लेकिन मुझे एक झलक अटल जी की मोदी जी में ज़रूर दिखती है।